प्यारे बच्चों, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात करेंगे मेहमानों के बारे में। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह सुबहानहू व तआला किसी कौम की तरक्की और खुशहाली चाहता है तो वो उन्हें एक तोहफ़ा देता है। लोगों ने सवाल किया, कौन सा तोहफ़ा? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान। आज मैं एक ऐसे मेहमान के बारे में ज़िक्र करूंगी, बल्कि दो ऐसे मेहमानों का ज़िक्र करूंगी जिनकी मेहमान नवाजी में उन्हें कत्ल कर दिया गया। आइए पहले हम शुरुआत करते हैं, हमारे स्टूडियो के बच्चों से मुलाकात करते हैं, फिर मैं आज अपनी स्टोरी का आगाज़ करती हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग मुझे अपना नाम बताइए और अपनी एक एक हॉबी बताइए कि आप लोगों को क्या करना पसंद है। ओके, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? अशम रजा सैयद। ओके, आपकी क्या हॉबी है? ड्राइंग। ड्राइंग, ओके। आप बताइए। ज़ैन अली जमानी। ओके, आपकी क्या हॉबी है? क्रिकेट। क्रिकेट, वेरी गुड। आप बताइए। मोहम्मद मेहदी जमानी। ओके, मेरी हॉबी क्रिकेट है। आप दोनों की क्रिकेट है, अच्छा है। आप एक टीम है दोनों मिलके, दोनों बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन आप ही दोनों। ओके, मेरा नाम सैयद शाहिना है और मेरी हॉबी है बुक रीड करना। वेरी गुड, अच्छी, बहुत अच्छी हॉबी इनफैक्ट। मेरा नाम है रिजवी अनम, मेरी हॉबी है ड्राइंग करना। ड्राइंग करना, ओके, वेरी गुड। मेरा नाम है रिजवी इरम, मेरी भी हॉबी है ड्राइंग करना। अच्छा, ट्विंस है तो सेम हॉबी, वो दोनों क्रिकेट, आप दोनों ड्राइंग। मेरा नाम है सैयद सकीना शबी फातिमा, मेरी भी हॉबी ड्राइंग। आपका अकेले का ही नाम है ना? हाँ। वेरी गुड, तीनों ड्राइंग। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं मेहमानों की जिनके साथ बुरा सलूक किया गया। क्या आप गैस कर सकते हैं कि इस मेहमान की हम बात कर रहे हैं? माशाल्लाह, आप बताइए। हिशाम। जनाब मुस्लिम इब्न अकील के बेटों के। एग्जैक्टली, हम बात कर रहे हैं तिफ्लान मुस्लिम अलैहिस्सलाम की। क्या आप लोग में से किसी को पता है कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बेटों का क्या नाम था? कोई जानता है? नहीं। मोहम्मद और अब्दुल्ला। ठीक है, तो आज इनके बारे में हम स्टोरी सुनेंगे, इनका वाकया सुनेंगे। इनकी बहुत ही एक सैड सी स्टोरी है अपने फादर के साथ। आप सब जानते होंगे जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम कौन है। कौन है जनाब मुस्लिम बिन अकील? हाँ, आप सकीना है ना, आप बताइए। मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के चचेरे भाई थे। एग्जैक्टली, जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम जो है इमाम हुसैन के भाई लगते हैं। ठीक है, वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, अकील अलैहिस्सलाम के बेटे थे जनाब मुस्लिम। ठीक है, तो इनके जब आपको पता है जनाब मुस्लिम की स्टोरी से हम सब वाकिफ हैं, हम सब ने मुख्तारनामा देखा है। ये किस तरह से आए थे कूफा में, इनको पहले तो बुलाया गया, इमाम हुसैन को बहुत सारे ख़त लिखकर बुलाया गया, और फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि जनाब मुस्लिम अपने बेटों को लेकर कूफा आए, ये देखने के लिए कि कूफा के लोग तैयार हैं या नहीं इमाम हुसैन के इस्तकबाल के लिए। और फिर आपको जैसे कि पता ही है काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन जब धीरे धीरे कूफियों ने दगा देना शुरू किया और सब धीरे धीरे जनाब मुस्लिम को जब छोड़कर अलग हो गए, तो ऐसा हुआ बच्चे भी अपने वालिद से बिछड़ गए। उस वक्त जो कूफा का माहौल था बहुत ज़्यादा बुरा माहौल चल रहा था, कर्फ्यू लगा हुआ था, लोग घरों से नहीं निकल सकते थे। उस दौर में जब बच्चे बिछड़ गए और जनाब मुस्लिम की शहादत हो गई, बच्चों को पता चल गया कि उनके बाप शहीद हो गए। सोचिए, हम अपने ऊपर अक्कर रख के सोचें, हम अपने डैडी के साथ कहीं गए हैं, कोई दूसरे शहर गए हैं, खुदा न खास्ता वहाँ हम बिछड़ जाएं अपने माँ बाप से और फिर बाद में पता चले कि हमारे माँ बाप का तो इंतकाल हो गया। और वो बच्चे बहुत छोटे बच्चे थे, 10-12 साल के बच्चे, उनको तो सबसे पहले कैद कर लिया गया, जिंदान में डाल दिया गया। वो कई दिनों तक कैद में रहे, जो जिंदान का, जो उस ज़माने में जिंदान के रखवाले जो होते थे, जो जेलर कहते हैं हम अभी अपने लैंग्वेज में, वो नमाज वगैरह पढ़ता था। तो उनको लगा ये नेक आदमी है, उन्होंने अक्सर देखा था उसको नमाज पढ़ते हुए। तो उन्होंने उसको पूछा कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं उन्हीं का कलमा पढ़ता हूँ, उनकी बताई नमाज पढ़ता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि हम उनके औलाद में से हैं, हम उनकी फैमिली में से बिलोंग करते हैं, हम बनी हाशिम हैं। तो उसको लगा अच्छा, रसूल खुदा के रिश्तेदार यहाँ मौजूद है, हमें ऐसे पता चले कि हमारा कोई रिश्तेदार है तो हम उसके ऊपर रहम करेंगे ना, कि इतने बच्चों को, छोटे बच्चों को जिंदान में रखा हुआ है। उसने कहा देखो, मैं तो जेलर हूँ, बट मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं तुम लोगों को यहाँ से आज़ाद कर दूँ।
और तुम लोगों को कूफा के बाहर ले जाऊं, क्योंकि तुम लोगों की जान पर खतरा है। अब जाहिर है जब जनाबे मुस्लिम को शहीद कर दिया गया तो अब लोग उनके बच्चों को ढूंढने लगे कि ये तो अपने बच्चों के साथ आए थे, तो इनके बच्चों को ढूंढो, कूफा में वो बच्चे कहाँ पर हैं। तो फिर उसने उन लोगों को आज़ाद किया और रात के अंधेरे में दोनों को कूफा के बाहर ले जाके छोड़ दिया, क्योंकि माहौल ख़राब था, ज़्यादा देर उनके साथ नहीं दिख सकता था वो भी। तो उसने कहा कि तुम लोग चले जाओ, तुमको आगे जाके कोई कारवां मिल जाएगा उससे तुम लोग जुड़ जाना। लेकिन बच्चे थे, और आज जैसे रोड होते हैं, ये रोड कहीं जा रही है, वो रोड कहीं जा रही है, रोड्स पे नाम भी लिखे होते हैं कि भाई ये जगह है, वो जगह है, ये स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट है। उस ज़माने में ऐसा नहीं था, दूर दूर वीराना, दूर दूर सिर्फ खाली मैदान और रात का अंधेरा। अब बच्चे डर गए, किस बढ़े तो कहाँ बढ़े, सीधा बढ़े, यहाँ जाए, वहाँ जाए, जाए कहाँ। भटकते रहे भटकते रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ जाए। परेशान होकर उनको एक पेड़ दिखा, वो वहाँ जाकर उसके ऊपर सो गए। जब वहाँ पेड़ के नज़दीक एक नदी थी, जब वहाँ की औरतें पानी भरने आईं तो उन लोगों ने देखा, पानी में हमारा अक्स दिखता है ना, हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है पानी में दिखता है, उन्होंने देखा इतने प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे थे, उन्होंने इतने प्यारे बच्चे, उन लोगों ने ऊपर देखा तो देखा दोनों सो रहे हैं। उन लोगों ने उठाया और उन लोगों को नीचे उतारा, पूछा तुम लोग कौन हो, उन लोगों ने बताया कि हम जनाबे मुस्लिम के बेटे हैं और हम लोग भटक गए हैं रास्ता। तो वो जो थी वो वहाँ के एक शख्स था, लोकल था, उसकी वाइफ की कनीज थी। उसने कहा मेरी जो मालकिन है वो बहुत अच्छी है, उसके पास चलते हैं, और वो ले गई उसके घर। तो वो मालकिन दिल की बहुत अच्छी थी और वो आले मोहम्मद से हमदर्दी भी रखती थी, और फिर उसने उनको छुपा के रख लिया। उसका जो शौहर था उसका नाम था हारिस, बहुत ही लालची आदमी था ये, और ये जो था उस ज़माने की जो गवर्नमेंट थी उससे मिला हुआ था, ये भी इन दोनों बच्चों को ही तलाश कर रहा था, और ये दोनों बच्चे उसी ही के घर पहुंच गए। खैर उसने कई दिन तो छुपा के रखा, घर में उन लोग रहे, वो एक रूम में लॉक रखा। तो एक दिन जब दोनों रात में सो रहे थे तो जनाबे अब्दुल्ला के ख्वाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहने लगे कि तुम दोनों जल्दी ही आके मुझसे मुलाकात करोगे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब ख्वाब में किसी अपने को देखते हैं, और हम खासकर ऐसे जहाँ पर हमारा कोई बड़ा नहीं है, तो हमको रोना आने लगता है। वो बच्चे भी छोटे थे, 9-10 साल के बच्चे थे, वो लोग उठकर रोने लगे, और फिर दूसरे भाई इब्राहिम भी उठ गए, क्या हुआ, और दोनों रोने लगे। और हारिस तो घर ही में मौजूद था, हारिस ने सुन लिया कि ये कोई रो रहा है। अब ये ढूंढने लगा कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। अब ये गया, इसने वो कमरा जिसमें थे दोनों मौजूद उसे खोला, उसने देखा ये बच्चे यहाँ पर मौजूद है, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। उसने अपनी बीवी के साथ भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया कि ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, पता है तुमको कि इन बच्चों को अगर मैं मार के लेके जाऊँगा मुझे कितना इनाम मिलेगा, मुझे कितनी दौलत मिलेगी। एक बहुत ज़्यादा जो कहते हैं लालची आदमी, बच्चों पर भी उसने कोई रहम नहीं किया। फिर सुबह होते ही वो ले गया उन दोनों को उसी तालाब किनारे और कहा कि मैं इन दोनों के सर काट के दोनों के सर लेके जाऊँगा उमर इब्ने साद के पास, और उसने यही किया। तो अब दोनों छोटे, अब दोनों को पता चला कि भाई अभी हमारे साथ ये करना, पहले तो उन लोगों ने उसको बहुत वो किया कि भाई आप हमें जाने दीजिए, मत मारिए, लेकिन जब उन दोनों ने देखा कि ये बज़िद है और ये हमें मार के ही दम लेगा, तो उसने कहा ठीक है, तो आप हम दोनों को साथ ही में कत्ल करना। तो फिर जो है तो उसने कहा ठीक है, उस वो तो लालची खबीस शख्स, उसको क्या फ़र्क पड़ता। उसने ऐसी तलवार चलाई, दोनों के एक साथ उसने गले काट दिए और दोनों के जिस्मों को दरिया में फेंक दिया। अब सर लेके पहुंचा कि मैं अब ये सर दिखाऊंगा और मुझे बहुत सारे इनामात मिलेंगे, मुझे बहुत सारी गिफ्ट्स मिलेंगे, बादशाह बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, लालच करके कभी किसी का भला नहीं होता। जब वो बच्चों के सर लेके पहुंचा, दरबार में खुद लोग हैरान हो गए कि 9-10 साल के बच्चों के सर काट दिए इसने, और सारा दरबार खुद हैरान हो गया इतने प्यारे बच्चों के सर देख के। बादशाह ने पूछा कि तुझे किसने कहा था सर काटने, मैंने कहा था? तो उसने कहा नहीं। बोले आप तो इन बच्चों को ढूंढ रहे थे ना, मैं मार के ले आया हूँ। बोले मैं बच्चों को जिंदान से, जो बच्चे भाग गए थे, मैं उन्हें ढूंढ रहा था, तुम सर काटने किसने कहा? और फिर जब उसने ये देखा कि इतना संगदिल था ये हारिस को कहा कि अब इसका सर कलम कर दिया जाए और इसको भी
मौत दे दी जाए, वो जो बच्चों के सर काट के लालच में गया था कि मैं इनाम लूंगा, उसको भी मौत की सजा मिली। लालच हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरी बला होती है, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ नन्हे मासूम बच्चों को मार के। तो खैर मेरी स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन हम लोग इससे कुछ मॉरल्स निकालना चाहेंगे कि सबसे पहले आप बताइए आप क्या मॉरल निकाल रहे हैं स्टोरी में से सभी, माशाल्लाह बताइए आप। शाहिना आप बताइए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ओके, तो बहुत ही ऑब्वियस सा मॉरल है, और किसी के पास कोई मॉरल है? लालच करने वाला खुद ही कुएं में गिरता है। एग्जैक्टली, ये कहावत है कि हम लोग जो है तो किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद उसमें गिर जाते हैं। तो उसने उन दोनों बच्चों को कत्ल किया लालच के, इनाम के लालच में, और एट द एंड उसको भी मौत की ही सजा दी गई। किसी के पास कुछ डिफरेंट है, किसी ने दूसरा कुछ निकाला है? बताइए आप सकीना। जो लालच होती है, अगर जैसे कि अपने पैर पे ही खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना अगर। अच्छा, तो ओके, मतलब आपने सबने लालच के ऊपर ही निकाला है। और कुछ? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जनाबे मुस्लिम जो थे अपने बच्चों के साथ आए थे, वो एक मेहमान थे, जैसे कि मैंने अपने स्टोरी के आगाज में कहा था। और मेहमान के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करने के लिए, लेकिन इस कौम ने क्या सलूक किया जनाब मुस्लिम के साथ, उनके बच्चों के साथ। कई लोग होते हैं जो मेहमानों के आने से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बट हम लोगों को मेहमानों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो मेहमानों के साथ बुरा सलूक करते हैं वो सिर्फ दुश्मन अहले बैत होते हैं, और जो अहले बैत के मानने वाले होते हैं वो मेहमानों का बहुत ज़्यादा एहतराम और इज्जत करते हैं। ठीक है, तो आप, आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में भी कुछ इजाफा हुआ होगा। मैं एक आखिरी हदीस बता दूं और मैं अपने सेगमेंट को कंक्लूड करूं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लालची आदमी अपने मुकद्दर से ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता। जैसे कि हमने इस स्टोरी में देखा कि उसने लालच की बिना पर दो मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया, और फिर भी वो अपनी लालच पा नहीं सका, यानी उसके मुकद्दर में वो था ही नहीं जिसके लिए उसने कत्ल किया उन दोनों को। मैं अपना सेगमेंट यही कंक्लूड करती हूँ। देखते हैं मासूम फातिमा जाफरी हमारे अगले सेगमेंट डिड यू नो में क्या लेकर आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में, जहाँ पर हमारे पास दो टीम्स मौजूद हैं जिनसे हम करेंगे सवाल और जवाब। तो आइए देखते हैं टीम्स हमारी कितनी तैयार है हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। सबसे पहले हम बच्चों से जनरल नॉलेज क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इस्लामिक क्वेश्चंस करेंगे। एंड वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स। गर्ल्स, सबसे पहले हम आपसे और बॉयज़ आपसे भी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? शुरुआत करें। ओके गर्ल्स, आपके लिए हमारा पहला ये सवाल है, आप हमें बताइए द वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जी, आप बताइए। यूएई। वेरी गुड इरम, इट इज़ यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बुर्ज खलीफा इज अ स्काई स्क्रेपर विच इज़ इन दुबई, एंड इट इज़ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ओके, वेरी गुड इरम। अब अगला सवाल बॉयज हम आपसे करेंगे, आप हमें बताइए कि मॉस्को इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री, यानी कि मॉस्को जो सिटी है वो किस कंट्री की कैपिटल सिटी है? जी जैन, आप जानते हैं जी, गेस वर्क कर सकते हैं? यू आर गेसिंग दिस, बिफोर योर गेस आई वॉन्ट टू गिव यू अ हिंट सो दैट योर गेस वर्क बिकम्स लिटिल ईजियर फॉर यू, ठीक है? ये जो कंट्री है, जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, एरिया वाइज इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। किस कंट्री की हम बात कर रहे हैं? जी जैन बताइए। रशिया। यस जैन, यू आर राइट, रशिया इज द करेक्ट आंसर, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। वैसे आपका क्या गेस वक्त था पहले? जापान। ओके जापान, लेकिन मेरी हिंट ने आपकी मदद की, राइट? ओके चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो कि गर्ल्स हम आपसे करेंगे, आप हमें बताइए कि विच कंट्री हैज मोर लेक्स देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कम्बाइंड, यानी कि ये वाहिद कंट्री है जहाँ पर दुनिया में जितने लेक्स देखने मिलते हैं उसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई बता सकता है विच कंट्री इज दैट? चलिए मैंने बॉयज़ को एक हिंट दी, तो गर्ल्स आपके लिए भी एक हिंट देती हूँ मैं। ये जो कंट्री है इसके प्राइम मिनिस्टर का मैं आपको नाम बता दी हूँ, ठीक है? इनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। तो किस कंट्री की हम बात कर रहे हैं? वे यू विल सी मोस्ट लेक्स।
अच्छा ठीक है, इनका जो फ्लैग है इट हैज अ मेपल लीफ, आप जानती हैं जी, बताइए अनम। कनाडा। यस इट इज कनाडा। कनाडा हैज द मोस्ट नंबर ऑफ लेक्स। अगर हम स्टैटिस्टिकली बताएं तो कनाडा में 31,752 लेक्स है, ठीक है, विच मेक्स इट कंट्री ऑफ लेक्स ऑल्सो। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, जो कि बॉयज हम आपसे करेंगे। इस्लाम में भी उस्ताद का कितना इज्जत और एहतराम है हम सब जानते हैं, और यूं भी टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है ना। और इंडिया में हर साल हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं यानी कि मनाते हैं, तो बॉयज़ आपको ये हमें बताना है कि व्हेन इज़ टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। गर्ल्स जानती हैं इसका आंसर। ये कहा जाता है कि अगर अपने माँ बाप के बाद किसी के एहतराम में हमें खड़ा होना है एज अ रिस्पेक्ट, तो वो उस्ताद के लिए हमें खड़ा होना है। तो आपको ये हमें बताना है कि व्हेन इज़ टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। जी बॉयज़ आप नहीं जानते, ओके गर्ल्स आप जानते, शाइना आप जानती हैं, आप बताइए। 5th September। यस बॉयज़ इट इज़ 5th September। वेरी गुड शाइना। 5th September को हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे इन इंडिया, और आप लोग जानते हैं इसकी वजह, वाई 5th September कोई और डे भी हम लोग सेलिब्रेट कर सकते थे, राइट? वी सेलिब्रेटेड ऑन 5th September इज़ बिकॉज इस दिन हमारी जो सेकेंड प्रेजिडेंट है यानी कि डॉक्टर राधा कृष्ण, उनका जन्मदिन है यानी कि बर्थ एनिवर्सरी है, और हर साल उनकी याद में हम इस दिन को टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है, ओके। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, क्योंकि हमें गर्ल्स ने इसका आंसर किया है, तो अगला सवाल बॉयज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। आप हमें कोई भी सेंटेंस बताइए जिसमें आप पंक्चुएशन यूज़ करेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊँगी कि वो पंक्चुएशन कौन सा है, ठीक है। तो आपको यूज़ करना है कॉमा इन योर सेंटेंस, टेल मी एनी सेंटेंस यूजिंग अ कॉमा। You can use commas or comma, ठीक है? So you have to use the punctuation commas and you have to tell me a sentence, okay? जी बताइए। I went to the market. I purchased shirts, pants and fruits. Very good. So आपने अपने हिसाब की चीजें पसंद की है, very good. Yes. But where will be the punctuation used? आपने sentence मुझे बताया जहाँ पर हमने दो तीन चीजें भी खरीदी market जगह, but where you will use the punctuation? Between shirts and pants. And what punctuation we will use? Comma. Yes, when there are lot of things in one sentence usage, तो हम comma use करेंगे, यानी कि shirts, comma, pants and fruits. या फिर अगर इन्होंने ज़्यादा चीज़ खरीदी होती, जैसे कि pants, comma, shirts, comma, bags, comma, then and जो इन्होंने end में लिया होता, ठीक है? तो very good मेहदी, आपने सही बताया है. And in the end of the sentence, what will be the punctuation used? फुल स्टॉप। यस फुल स्टॉप टू एंड दी सेंटेंस, वेरी गुड। जैसे कि बॉयज़ ने हमें पंक्चुएशंस बताए हैं, ठीक है, गर्ल्स आई विल टेल यू अ सेंटेंस, आपको बताना है कि मैंने इसमें पंक्चुएशन कौन सा यूज किया है, ठीक है। आपके लिए सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव? जी शाइना बताइए। क्वेश्चन मार्क। यस एक्चुअली WH टाइप जब भी आते हैं वी नॉर्मली यूज अ क्वेश्चन मार्क इन दी एंड, वी डोंट एंड इट विद अ full stop because it's not a sentence, actually it's a question mark. I'm asking you something, for that I will get an answer. Where do you live? I live in Mumbai. What is your name? My name is so and so. So it's a WH type question and in the end we will use a question mark. Very good Shaina. ठीक है, अब बढ़ेंगे हम कौन से सवालों की तरफ? इस्लामिक सवालों की तरफ, and we will start with boys. Boys, आपके लिए हमारा पहला सवाल है कि करबला में कितने इमाम मौजूद थे? वाकई करबला में कितने इमाम मौजूद थे? हशम आप जानते हैं? एक इमाम तो आप जानते ही हैं ना, कितने थे मौजूद में से? जी बताइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जी जी जैन बताइए। इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यानी कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। जी वेरी गुड। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। यस आप 5th इमाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, जिनकी बहुत कम उम्र थी वाकई करबला में, और हमारे तीन इमाम मौजूद थे, ठीक है, वेरी गुड बॉयज। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, जो कि गर्ल्स हम आपसे करेंगे। आपको ये हमें बताना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की ज़मीन को किस कबीले से ख़रीदा था? जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जब गए थे सरजमीन करबला, उन्होंने उस ज़मीन को ख़रीदा था। जी शाइना के अलावा कोई बता सकता है? जी शाइना बताइए। बनी असद। यस सरजमीन करबला जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद जो कबीला है जिनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वसीयत भी की थी,
ان سے زمین کو خریدا پھر واپس انہیں ہبا کر دیا. ٹھیک ہے, ویری گڈ شائنا. اگلا سوال بوائز ہم آپ سے کریں گے. آپ کو یہ ہمیں بتانا ہے کہ میدان عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی تھی, وہ دعا کس نام سے مشہور ہوئی؟ اور روزہ عرفہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, اور ابھی بہت ریسنٹلی ہم نے یہ اعمال کیے ہوں گے تو یہ دعا بھی ضرور پڑھی ہوگی. کوشچن میں ہی ایکچولی آنسر بھی ہے. جی زین, بتا سکتے ہیں؟ دعائے عرفہ. یس, اٹ از دعائے عرفہ جو امام حسین علیہ السلام نے پڑھی تھی. ویری گڈ بوائز. اب بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف جو کہ گرلز ہم آپ سے کریں گے. آپ کو یہ ہمیں بتانا ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا سردار کون تھا؟ آپ جانتی ہیں انم, یہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے, حضرت عباس علیہ السلام. یس, حضرت عباس علیہ السلام. جیسے کہ ہم نے اسٹوری ٹائم میں طفلان مسلم کی اسٹوری سنی تھی, ٹھیک ہے, تو آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی, آپ ہمیں بتائیے کہ کوفہ میں امام حسین علیہ السلام نے کس کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا؟ سفیر یعنی کہ امبیسیڈر بنایا تھا, کسی اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا؟ جی ہشم, آپ جانتے ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام. یس, جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جو کہ طفلان مسلم کے بابا ہیں, انہیں اپنا سفیر یعنی کہ وہ ان کے بھائی تھے, انہوں نے اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا تھا. ویری گڈ بوائز اینڈ گرلز, ہمارے یہاں پر اسلامک اینڈ جنرل نالج کوشچنس ختم ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ہماری ونر ہے اور وہ ہیں گرلز آپ. کانگریچولیشنس. تھینک یو, موسٹ ویلکم. ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ڈڈ یو نو. اب دیکھتے ہیں نیلم بچوں کے لیے کیا خاص لے کر آ رہی ہیں ہمارے سیگمنٹ امیزنگ فیکٹس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز, السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے سیگمنٹ امیزنگ فیکٹس میں. آج ہمارے سیگمنٹ امیزنگ فیکٹس میں بچوں ہم ایک نارتھ افریقن کنٹری کی بات کریں گے جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے, اور یہ اپنے رہن سہن, اپنے اتہاس, اپنے کلچر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے. اس کا کلچر اتنا رچ ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح یعنی کہ ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کنٹری موروکو کی. آپ میں سے کوئی کچھ جانتا ہے اس کنٹری کے بارے میں؟ بتائیں زین علی. یہ اپنی ہسٹورک امپورٹنس کی وجہ سے فیمس ہے. ایگزیکٹلی, یہ اپنے ہسٹوریکل امپورٹنس کی وجہ سے جانی جاتی ہے. اب بات کریں گے یہاں کے کیپٹل کی. یہاں کی جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے رباط, اور یہاں کی جو لارجسٹ سٹی ہے وہ ہے کاسا بلانکا. اس کے علاوہ ٹینجیئر یہاں کی اولڈیسٹ سٹی ہے. اب اگر نظر ڈالیں یہاں کے پاپولیشن پہ تو یہاں کی آبادی تقریباً 36 ملین افراد پر مشتمل ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیے, جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو کنٹری ہے موروکو یہ ایک مسلم کنٹری ہے, تو یہاں کی آفیشیل لینگویج کیا ہوگی؟ آپ بتائیں مہدی. عربک. عربک, ویری گڈ. یہاں کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ ہے عربک. اس کے علاوہ بربر ایک لینگویج ہے جو یہاں پر بولی جاتی ہے. یہاں پر لوگ ویسے انگلش زبان بھی جانتے ہیں. اب اگر ہم مڈل ایسٹرن کنٹریز کی زیادہ تر اگر بات کرتے ہیں جب, تو وہ کون سی چیز ہے جو مڈل ایسٹرن کنٹری سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ملک ہے جو اسی چیز کو سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ہم روزہ کھولتے ہیں تو کس چیز سے کھولتے ہیں؟ آپ بتائیے. کھجور. کھجور, ویری گڈ. ہر سال موروکو تقریباً 90,000 tons کھجور کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتا ہے. اب یہ تو ہم نے بات کی ایکسپورٹ کی, اب بات کریں گے اس گیم کی, اس اسپورٹ کی جو یہاں کے لوگ کھیلنا پسند کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا اسپورٹ ہوگا جو یہ لوگ کھیلنا پسند کرتے ہیں؟ بتائیں زین علی. فٹ بال. یس, موروکنز فٹ بال کھیلنا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ لوگ کافی فٹ بال کے شوقین ہیں. اب جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کنٹری ہے یہ ایک مسلم ملک ہے, اسی لیے یہاں موجود دا سیکنڈ حسن ماسک دنیا میں 7th largest mosque یعنی 7th largest mosque کہلاتی ہے. اور یہ کون سی سٹی میں ہے؟ یہاں کی لارجسٹ سٹی کون سی ہے؟ آپ بتائیے. کاسا بلانکا. رائٹ, اور یہ دنیا کی 7th سب سے بڑی مسجد ہے. اچھا کڈس, آپ ہمیں یہ بتائیے, اگر ہم لوگ انڈین کلچر پر نظر ڈالیں, آپ تمام اسکول جاتے ہیں رائٹ؟ یس. تو کون سی لینگویجز پڑھائی جاتی ہے اسکول میں؟ آپ بتائیے. انگلش. ویری گڈ. ہندی. ہندی, ویری گڈ. مراٹھی.
मराठी, वेरी गुड। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर मोरक्को की स्कूल्स पर हम नज़र डालें तो जो लैंग्वेजेस यहाँ पढ़ाई जाती है वो कौन सी है? यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरबी। आप बताइए। अरबिक। वेरी गुड। अरबिक के अलावा और एक लैंग्वेज का मैंने जिक्र किया था, बताइए मेहदी। बर्बर। बर्बर। इसके अलावा फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ये वो ज़बानें हैं जो यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ की हाईएस्ट पॉइंट की, यानी यहाँ के टॉलेस्ट पीक की। माउंट तोपकाल नॉर्थ अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, और अगर विंटर्स में इस माउंटेन को, इस पीक को देखा जाए तो ये पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ होता है, और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा दिलकश होता है। अब आप मुझे बताइए कि मोरक्को अपनी बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है? आई गिव यू अ क्लू, एक डेजर्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट, उसके साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। मोरक्को अपनी बॉर्डर शेयर करता है अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा डेजर्ट के साथ, और मोरक्को का मतलब ये मुल्क का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो सहारा डेजर्ट कवर करती है। तो ये तमाम फैक्ट्स जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं ये आपको याद रहेंगे। Yes. व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों की भी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर रब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।